नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार में। दावेदार एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं नए चेहरों से, नए लोगों से जिन्होंने जीवन में कभी भी चुनावी मैदान का स्वाद नहीं चखा, लेकिन फिर भी समाज सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड 57 के दीपक यादव। दीपक यादव युवा हैं और वार्ड 57 में उनका मोबाइल का व्यवसाय है और अच्छी कनेक्टिविटी है। आइए मिलेंगे दीपक यादव से। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका होराइजन न्यूज़ में। वंदे मातरम सर। आप हमारे यहाँ परंपरा है, आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, लोगों को अपने बारे में बताइए। पहले तो सर नजी, मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल में मुझे जगह दी, और साथ ही मैं अपने वार्डवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को और अजमेर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक सिंह यादव, मैं वार्ड 57 का निवासी हूँ और पिछले 15 से 17 सालों से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस में मेरा कोई पद नहीं है, मैंने कभी भी कोई पद नहीं लिया है, मैं केवल जमीनी कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के अंदर कार्य करता रहा हूँ। जब भी पार्टी की मीटिंग होती है या पार्टी का बुलावा होता है या कोई रैली होती है तो पार्टी के आदेश पे हम तैयार मिलते हैं। आप मुझे ये बताओ, आपका जो वार्ड है उस वार्ड में आपकी सिक्रेट आपको कैसे लगता है कि आपका संपर्क, आप अपने संपर्क से जीत जाएंगे? क्या आधार है, लोगों में कनेक्टिविटी किस तरह से है आपकी? कनेक्टिविटी सर, एक तो मेरा व्यवसाय ऐसा है कि हर आदमी मुझसे टच में है। मेरा व्यवसाय मोबाइल का है। अच्छा, तो मोबाइल शॉप है मेरी, रिपेयर का शॉप है। अच्छा, सेल्स एंड एसेसरीज का भी मेरा काम है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। किस जगह वार्ड में? कचहरी रोड पे सर, वार्ड में नहीं है। हाँ जी, वार्ड के बिल्कुल अपोजिट साइड। क्या नाम है आपकी? विरासत मोबाइल। हाँ जी, मेरी फर्म है। तो अजमेर और मेरे वार्ड में मेरी शॉप की एक अलग ही रेपो है, मुझे पब्लिक वाइफ जानती है। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारा वार्ड उन मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त है, क्योंकि जो भी आए इससे पहले चुनाव के अंदर जीते और जीत के वापस चले गए, कभी उन्होंने अपना चेहरा दिखाया नहीं है, तो पब्लिक बहुत ज़्यादा आहत है उस चीज़ से। अच्छा, हाँ जी। तो लोगों की जो मूलभूत परेशानियाँ हैं, जैसे सड़क की हो गई, पानी की हो गई, बिजली की हो गई, इनके लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात, अपने वार्ड के लिए अगर आपको अपने घर के लिए नक्शा पास करवाना है या कोई सर्टिफिकेट बनवाना है जन्म से लेके मृत्यु से संबंधित, या कोई और सर्टिफिकेट आपको अगर चाहिए, निगम से चाहिए, तो उसके लिए आदमी परेशान होता है। वो केवल चक्कर ही लगाता रहता है, उसकी सुनवाई, आम आदमी की सुनवाई कहाँ हो रही है? कहीं नहीं हो रही है। तो मेरा वार्डवासियों से काफ़ी लगाव रहा है और मैं सामाजिक कार्यों में रुचि लेता रहा हूँ। आज किन संगठनों से जुड़े समाज? संगठन नहीं है, हमारा खुद का यूथ है वहाँ पे। अच्छा, संगठन हम किसी संगठन, यूथ टीम है? हाँ, यूथ टीम हमारी। कितने लोग हैं उसमें? हमारी टीम है 10 से 12 व्यक्तियों की, हमारी टीम 12-15 लोग। हाँ जी, ठीक है। तो उसके अंदर हम सक्रिय रहते हैं मोहल्ले के अंदर। हाँ, क्या क्या काम करते हैं आप लोग? हम किसी की भी, चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो, चाहे वो आर्थिक से हो, चाहे कोई कानूनी मदद हो या और भी कोई मदद हो, हम उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। धार्मिक कार्यों के अंदर कोई आयोजन करना है, उसमें कुछ फंड देना है, तो उसके लिए हम सदैव अग्रणी हैं। किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हमारे साथी सदैव तैयार हो, हम देते आए हैं, इस बात को सभी जानते हैं। मतलब यादव के पास युवा 12-15 युवाओं की टीम है जो हमेशा सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रहती है, ब्लड डोनेशन तक करवाते हैं। मतलब एक एनर्जी है, एक आप देखिए, एक फ्रेश एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। इन हमारे इस कार्यक्रम का मूल भावना ही यह है कि जो लोग ऑलरेडी नेतृत्व कर रहे हैं उससे इतर नए फ्रेश चेहरे आपको दिखा पाए। तो यादव जी, आपको क्या लगता है, आप मुझे अपना फ्रेम विजन बताइए। आप अगर चुनाव आपको जीतते हैं तो आप वार्ड के लिए क्या करेंगे? सर, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी ये रहेगी कि भाई जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें मिले। सफाई से लेके सड़क हो गई, पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सुविधाएं उन्हें सुचारू रूप से मिलती रहें। सड़कों की दशा दयनीय है, सड़कें टूटी फूटी हैं। एक तो तोपदाड़ की सड़कें बहुत सक्रिय है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात वो टूटी फूटी है, तो ये एक मूलभूत समस्या है। एक्सीडेंट जोन बना रहता है हमेशा, कोई ना कोई ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। अभी फिलहाल पिच वर्क हुआ, नहीं तो इससे पहले की स्थिति तो ये थी कि आए दिन एक्सीडेंट होते थे वहाँ पर। अच्छा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि नाली सफाई ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरी प्रायोरिटी, निगम से संबंधित कोई भी काम
जिनके लिए पब्लिक परेशान होती है, नक्शा पास करवाना है, कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसके लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट हमसे संपर्क करेंगे, हमारे कार्यालय पर आएंगे, ऑफिस में जो हमारे वार्ड में होगा वहीं से उनको, मतलब आप वार्ड कार्यालय खोल के बाकायदा, बिल्कुल हमारा खुद का पर्सन खोलेंगे और उसके अंदर एक व्यक्ति मिलेगा हमेशा उनको एनी टाइम। और नहीं तो मेरा घर पास नहीं है, मेरा आप वहाँ कहाँ पे रहते हैं? मैं रहता हूँ सर पटेल नगर में रहता हूँ, पटेल। हाँ जी, और अपने जो संतोष नगर स्टेशन जो सेकंड एंट्री गेट बना है उसके सामने संतोष नगर है, वहाँ पर भी मेरा ऑफिस है एक। अच्छा, मतलब आप देखिए कितनी अच्छी विजन है, वार्ड ऑफिस बाकायदा क्रिएट करके, मतलब पार्षद का कार्यालय क्रिएट करके वहाँ आदमी बिठाया जाएगा, मतलब एक विजन देने की कोशिश की है दीपक। बाकी आप साधुवाद के पात्र हैं, आप अच्छा अच्छा विजन है आपका। अब आप मुझे बताएं आप किस पार्टी से उम्मीद करेंगे? मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ, तो मैं कितने सालों से कांग्रेस? सर 15 से 17 साल हो गए मुझे कांग्रेस से जुड़ते हुए, और मैं जमीनी स्तर पर हमेशा कोई रैली हो कोई चुनाव हो हमेशा तैयार मिला हूँ। इस बात को मेरे क्षेत्रवासी जानते हैं, मेरे वार्डवासी और जो मेरे ऊपर के जो नेता हैं। कौन है नेता आपके, आप किसको नेता मान रहे हो? सर देखिए जो विधायक हेमंत जी, हेमंत भाटी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आपने हेमंत जी को बताया कि साहब मैं, अभी तक मैंने उनसे इस विषय में चर्चा नहीं करी है, तो अब तक क्या कि डेट फाइनल नहीं हुई है, तो कुछ डेट फाइनल हो तो मैं उनसे जाके इस विषय में चर्चा करूंगा। तो फिलहाल आपके चैनल से शायद, मुझे लगता है कि हमारा यही काम है। हाँ जी, तो मैं देखिए सिंपल फंडा है भाई, हम जैसे हमेशा अपनी एक बात इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं, जिम्मेदार लोग, हेमंत भाटी जी अगर ये शो देख रहे हैं तो देखिए आपके पास एक रत्न है, आप इसे मौका दे सकते हैं, और कांग्रेस में जिम्मेदार लोग जो हैं वो भी ऐसे नए चेहरों को आगे बढ़ाएं तो शायद एक नई हवा, एक नया सोच लेके वो लोग काम करेंगे और लोगों का भला करेंगे। क्षेत्रवासियों की वैसे ही कुछ समस्या और भी है, अगर आप तो बताइए। एक अपना स्टेशन रोड से जो रास्ता मटरमिज के लिए आता है जो सीधा श्रीगढ़, एक रास्ता वैकल्पिक मार्ग जो तोपदड़ा पाल बिजला होते हुए जो अपने बस स्टैंड के लिए निकलता है, इस तिराहे पर निगम का कचरा डिपो बना रखा है, राइट? ठीक है, अगर आप अभी वहाँ की पोजिशन देखेंगे तो आपको रोड तक कचरा मिलेगा, आवारा जानवर जिसमें सुअर वगैरह कुत्ते वगैरह ये वहाँ पे घूमते रहते हैं, वो एक्सटेंशन जोन बना हुआ है इस तरह का। किस जगह की बात कर रहे हैं? श्रीनगर रोड से जब वो रास्ता अंदर घुसता है सर, यहाँ चर्च रोड से जो अपन नीचे उतरते हैं। हाँ, नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं। हाँ जी, हाँ जी, किराया जो एक रास्ता मटन के लिए ऊपर चढ़ जाता है और एक रास्ता जो श्रीनगर के लिए निकलता है, उस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो वो कॉर्नर बहुत वैसे भी कंजेस्टेड है काफी, और दूसरा वहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है। आप शाम को देखिएगा वहाँ पे ये ठेले वगैरह, और ये संपर्क सड़क तो वैसे भी बहुत अतिक्रमण, बहुत उसमें समस्या है। हाँ, ओके, क्योंकि ट्रैफिक लोड सारा दिया हुआ है यहीं पर ही, तो वैसे ही जाम रहता है, दिन में 2-3 बार जाम की पोजीशन बनी रहती है। हाँ। तो वो जो कचरा डिपो है उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कहीं और की जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा, ताकि सड़क चौड़ी रहे और जो जानवर आते हैं जिनसे एक्सीडेंट जोन बना हुआ है, एक्सीडेंट होते भी हैं, तो वो समस्याएं कम हो। दूसरा, लोगों की धारी भावनाएं भी वहाँ आहत होती है, क्योंकि अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्षेत्रवासियों ने कहा है। अच्छा, क्षेत्रवासियों में नाराजगी? हाँ जी, बिल्कुल है नाराजगी, उसके लिए मुझसे निगम के अधिकारी अगर ये बात सुन रहे हैं तो उनको इस चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। दीपक ने बहुत अच्छी चीज उठाई है इस इंटरव्यू के माध्यम से कि वहाँ एक कचरा डिपो है जो बिल्कुल मंदिर के पास है, और क्षेत्रवासी इस चीज से खासी नाराज हैं। तो इससे पहले कि क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूटे और कोई और ऊंधा सूंधा रिजल्ट निगम कर्मी को देखना पड़े, उससे बेहतर है पहले वो चीज़ डील कर ली जाए। और दीपक, और क्या है? और एक सभी वार्डों में आपने देखा होगा या तो कोई गार्डन है या कोई छोटा मोटा खेल मैदान है, लेकिन तोपदड़ा में फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो एक थी वो को भी खत्म कर दिया गया है। कहाँ थी पहले? तोपदड़ा ग्राउंड, तोपदड़ा स्कूल का जो ग्राउंड था वो था, अब उसको एक कॉर्नर पे बना दिया कचरा डिपो, उसकी भी वही पोजीशन है जो पोजीशन मैंने अभी आपको बताई है पाल बिचला वाली, सेम पोजीशन यहाँ पर भी वही, मतलब एक वही निगम के वो जो कचरा उठा वो जो दल है उसी की वहीं पे डाल देते हैं। और उसको क्या है कि या तो एक कंटेनर बनाया जाए। तो आप निगम को अपने माध्यम से कोई जगह सजेस्ट कर दीजिए, सजेस्ट इस तरफ हो सकता है या यहाँ जगह वहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन सफाई कर्मी क्या करते हैं, वो कचरे को उठा के बाहर डाल देंगे, वो जो बनाया हुआ है कंटेनर बनाया हुआ है उसके अंदर नहीं डालते हैं। कंटेनर बना हुआ तो उसका गेट खुला छुड़ा हुआ है, आवारा जाने जाते हैं, कचरा बाहर लेके आते हैं, तो वो
सेम पोजिशन वहाँ की हुए हैं, वहाँ के वार्डवासी जो है मेरे, जो उनके सामने मकान है, इधर मकान है, वो सब उससे परेशान है, दुर्गंध फैली हुई है वहाँ पे, बीमारी का खतरा है वहाँ पे। तो एक मुद्दा ये, दूसरा मुद्दा ये, गार्डन के अंदर जो काम चल रहा है अभी फिलहाल आपको पता है अपने यहाँ का, तो सारा मलबा उठा के वहाँ डाल दिया गया है। अब जो पहले कुछ खेलने लायक बचा था वो भी खत्म कर दिया गया। हाँ जी, तो एक मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि उस मैदान को वापस समतल करा के, और जो हमारे क्रिकेट प्रेमी जो बंधु हैं, क्योंकि अजमेर के लगभग सारे क्रिकेटर उस ग्राउंड में खेला करते थे, किसी समय के अंदर नाम था। तो स्कूल हम भी खेले हैं। हाँ जी, मैं भी, मुझे याद है हमारे स्कूल में पढ़ते थे, इंटर स्कूल या इंटर क्लास मैच होता था, तोपजड़ा स्कूल का ग्राउंड या जवाहर स्कूल का ग्राउंड, इस तरह से लेते थे। तो वो ग्राउंड प्राइवेट ये रहेगी, उस ग्राउंड को वापस से तैयार करवाया जाए, ताकि खेल प्रेमियों का आना जाना वहाँ शुरू हो और तोपजड़ा की एक रौनक बढ़े। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से दीपक जी। हम चाहेंगे कि आप जैसे ऊर्जावान व्यक्ति बहुत जल्दी नगर निगम जीत कर पहुँचे और लोगों की सेवा करें। तो ये थे दीपक यादव। मैं पार्टियों से फिर वही अपील करूंगा कि नए चेहरों को मौका दें, नए लोगों को मौका दें, स्वच्छ छवि वाले ऐसे ऊर्जावान लोगों को मौका दें, ताकि आने वाला कल अजमेर स्मार्ट सिटी का आने वाला कल भी स्मार्ट हो सके। इसी के साथ आज सिर्फ इतना ही, फिर किसी नए वार्ड, फिर किसी नई सोच, फिर किसी नए चेहरे के साथ जल्दी मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।